बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सारास किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन क्रॉकेट्स। तो चलाएं मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है चिकन, 100 ग्राम्स ऑफ चिकन लिया है। एक मीडियम साइज का पोटैटो था, उसको मैंने बॉयल करके मैश कर दिया, बिल्कुल अच्छे से मैश होना चाहिए। 2 से 3 टेबल स्पून चेडर चीज, एक छोटा प्याज जो बिल्कुल मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 2 टीस्पून मैदा, 1/2 टीस्पून नमक। नमक मैंने कम इसलिए लिया है क्योंकि मैंने चिकन को बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, 1 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन और 2 टीस्पून मैंने बटर लिया है। आप ऑयल में भी बना सकते हैं। 1/2 कप मैंने दूध लिया है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो पैन में सबसे पहले हम लोग बटर डालेंगे। ये स्लाइटली सॉल्टेड बटर है, मीडियम फ्लेम पे इसको जो है हम लोगों ने सारे बैटर को बनाना है। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें हम लोग अनियंस डालेंगे और अनियन को हम लोगों ने सिर्फ हल्का सा जो है ट्रांसल्यूसेंट करना है, बस इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको जो है अनियंस को फ्राई करना है जी। तो 2 मिनट अनियन को हम लोगों ने हल्का सा फ्राई किया है। इसमें अब हम लोग डालेंगे मैदा और इसको अच्छे से भूनेंगे। और अब इसमें हम लोग दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे ताकि लम्प्स ना बने। अब इसमें हम लोगों ने सारे स्पाइसेस ऐड कर देने, नमक, काली मिर्च, मिक्स्ड हर्ब्स और ओरिगैनो, मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम लोगों ने चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू डालेंगे, मैंने यहां सारा आलू नहीं डाला, आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने बचा लिया। अच्छे से मिक्स करेंगे। चेडर चीज डालेंगे, स्प्रिंग अनियंस डालेंगे और अच्छे से सारी चीजों को हम लोगों ने वेल कंबाइन कर देना है। चीज जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोगों ने नहीं डालना तो आप लोग ना डालें। स्टेज पे इसको हम लोगों ने ठंडा होने के लिए रख देना है जी। तो बैटर जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है अच्छे से। अब हम लोग थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च जो है हम लोगों ने ये अंडे में डाल देनी है, बिल्कुल पिंच, 1 पिंच, और 1 पिंच हम लोगों ने मैदे में डाल देनी है। मिक्स करेंगे। और एग को भी मिक्स करेंगे जी। तो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले हाथों में ऑयल लगाएंगे, ग्रीस करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे। क्रॉकेट्स जो हैं उसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मगर मेनली जो क्रॉकेट्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। देखिए इस तरह बना के तो उसको
प्लेन फ्लावर में कोट करेंगे, उसके बाद अंडे में कोट करेंगे। और अंडे में कोट करने के बाद इसको हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। ये घर के ब्रेड क्रम्स हैं, बस सिंपल मैंने ब्रेड के जो है वो चॉपर में डाल के तो उसको चॉप कर दिए। हल्के हल्के से उसको हम लोग ने दबा देना है ताकि जो ब्रेड है, ब्रेड क्रम्स, वो अच्छे से इस पे लग जाएंगे इस तरह। और इसी तरह हमने सारे बना देने। इतने बैटर में कम से कम 10 से 12 बनने चाहिए जी। तो ये देखें, अब इनको हम लोग फ्राई करते हैं, मगर फ्राई करने से पहले इसको मैं 15 से 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। और इस स्टेज पे आप लोग इसको जो है फ्रीज़र में जिप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज भी कर सकते हैं। ये आसानी से 1.5 से 2 मंथ्स के लिए फ्रीज़र में फ्रीज रह सकते हैं जी। तो यहाँ मैंने ऑयल रखा है, ऑयल को गरम कर दिया है। अब इसमें क्रॉकेट्स डालेंगे और इसको गोल्डन फ्राई होने देंगे। एक साइड से ये गोल्डन फ्राई हो गए हैं, अब इनकी साइड्स चेंज करते हैं, ये देखें, और दूसरे साइड से भी इसको हम लोगों ने गोल्डन फ्राई कर देना है जी। तो दूसरे साइड से भी ये फ्राई हो गए हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब इनको हम लोगों ने निकाल देना है। एक प्लेट में किचन टॉवल रखेंगे और एक एक करके निकालेंगे। ओवरऑल इसकी फ्राइंग टाइम जो है वो हार्डली 5 से 6 मिनट्स हैं। ये देखें जी, मैं इसको एक आप लोग के सामने जो है कट करती हूँ। ये देखें इतना मज़े का क्रीमी बना है, बहुत मज़ेदार बनता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़ेदार चिकन क्रॉकेट्स रेडी हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उसको शेयर करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।